अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जिमल किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ, खीर, दूध की खीर। इसके लिए हमें चाहिए राइस। ये 1 कप चावल हैं जो हमने अच्छे तरीके से धो लिए हैं, धो के पानी में भिगो लिए हैं आधा घंटा। 2 कप चीनी है हमारे पास, बादाम है, इलायची है, और ये है दूध हमारे पास जिसको हमने बॉइल करने के लिए रख दिया है। इसको हम ये तकरीबन हमारे पास 4 से 4.5 किलो है दूध। बॉइल करेंगे अच्छे तरीके से पहले इसको। जब अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएगा तो इसमें हमने राइस डालने हैं, चावल जो हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे वो इसमें डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की ये खीर बनती है। दूध हमारा बॉयल हो रहा है, वहाँ पे हमने राइस में पानी डाल के रखा है। पानी को हम गिरा देंगे और इसमें राइस डाल देंगे। ये देखे दूध गर्म हो गया, पानी हमने गिरा दिया अच्छे तरीके से, तो सारे राइस हम इसमें डाल देंगे। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ करें ताकि रिस का कोई भी दाना ज़ाया ना हो जाए। इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। कहलाएंगे जब देखें कि ये बॉईल होने लगे तो आंच हल्की कर दें और इसको हल्की आंच पर पकने दें। और हमने इसको हल्की आंच पर पकाना है। जो हमारे पास चीनी थी 2 कप, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं। तो मैंने चीनी डाल दी इसमें। इसको हम ढाँप देंगे, आँच हल्की कर देंगे। ये हमारे पास इलायची है, इसको हमने पीस लिया। इलायची डालेंगे इसमें, लाते रहिएगा ताकि नीचे से ना लग जाए, क्योंकि वो जो लगी हुई होती है ना उसकी अजीब सी स्मेल आनी हो जाती। स्मेल मतलब पूरी खीर को ऐसे लगता है जैसे वो अजीब सी स्मेल आ रही है। ऐसे ही लाते रहेंगे ना वो नीचे से लगेगी। इलायची भी हमने इसमें डाल दी है। ये देखिए हमारी खीर कड़ी होनी शुरू हो गई है। जब हम देखेंगे कि दूध खुश्क हो जाएगा मतलब इसकी निशानी है कि हल्की हल्की पकनी शुरू हो जाएगी।
गाड़ी होनी शुरू हो जाएगी। कलर इसका लाइट पिंक हो चुका है। ऐसे हम हिलाते रहना इसको। बहुत ही सिंपल और सादा तरीके से ये खीर बना रहे हैं। कोई हम इसमें खोया नहीं ऐड कर रहे, कोई कुछ नहीं ऐड कर रहे, जस्ट दूध में राइस डाले और जी इन्हें पकाओ चंगे तरीके ना। बादाम पाओ, पिस्ते पाओ, खोया पान की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पक पक के खुद ही खीर सड़ा खोया बन जाएगी। हिलाते रहो इन्हें, आराम आराम से इसको हिलाते रहें। लो जी हिलाते रहो तो पकाते रहो। ये देखें खीर हमारी तैयार हो चुकी है, बबल्स बनने शुरू हो गए, इसका मतलब ये पक चुकी है। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। बहुत ही मज़े की बनी पड़ी है। कलर इसका पिंक पिंक हो गया, लाइट पिंकिश और बहुत ही ज़बरदस्त है। टेस्ट में भी खाएंगे तो बहुत ही पसंद आएगी आपको। एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। ये जैसे हमारा खोया तैयार हो चुका है, रबड़ी खोया खीर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की खीर हमारी तैयार है। बहुत ज़्यादा हमें इसमें राइस नहीं डालने, वो बिल्कुल हलवा बन जाए, इस बात का ख्याल रखना। बादाम को हमने बॉईल किया, उसके छिलके उतार लिए हैं, ऐसे ये वाले बादाम इसको हमने छील लिए। बनाते हैं अच्छे तरीके से इसको हिला के, फिर हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। देखें ज़बरदस्त सी मज़े की खीर हमारी तैयार है। ये हमने बादाम जो छील लिए थे इसे डाल देंगे इसके ऊपर। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए ऐसे हम डाल देंगे इसके ऊपर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, दुआओं में याद रखिए। फिर हाज़िर होते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ताहिरा को इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।